देखिए दोस्तों, ये जब खतरा महसूस करते हैं तो अपना खाया हुआ भोजन बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपना खाया हुआ भोजन निकाल रहा है। ये एक मेंढक को अपने खुराक बनाए हुए था और अपने साइज से, और एक चूहा, एक मेंढक और एक चूहा जिसको ये खाए हुए था, और इसने दोनों को बाहर निकाल दिया है। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से। शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कंठेगरा में एक सांप ने उस समय मेंढक और खाए हुए चूहे को उगल दिया जब उसे खतरा महसूस हुआ। इसके बाद सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार कंठेगरा के एक किसान के घर में कोबरा सांप निकल आया जब पूरा परिवार रात को सो रहा था। इसके बाद स्नैक सेवर सलमान पठान को इसकी सूचना दी गई। सलमान ने मौके पर पहुंचकर बताया कि सांप ने दो जानवरों को खा लिया था। इसके बाद से सांप का रेस्क्यू किया तो सांप ने अचानक खाए हुए मेंढक और चूहे को उगल दिया और पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया। उन्होंने बताया कि कभी भी कोई सांप अगर किसी व्यक्ति को खा ले तो झाड़ फूक के चक्कर में ना फंसें और ना ही पत्थर पेड़ पौधे बांधें जिससे कि खून रुक जाता है। नीम के पत्ते भी ना खाएं। नीम के पत्ते इसलिए खाए जाते हैं कि सांप का जहर ना चढ़े, इसके बाद वो इलाज के लिए जाएं। सलमान पठान ने बताया कि तुरंत ही सांप के काटे उसके बाद ही जिला अस्पताल ले जाएं जिसके चलते व्यक्ति की मौत ना हो, जान ले सकता है। तो इस तरीके के सांपों से दूर रहें। अगर जे कभी किसी को काट भी ले तो आप कभी झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। अगर झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे तो आप मारे जाओगे या नीम के पत्ते खाते रह जाओगे। कभी भी सांप काट ले तो आप अस्पताल का सहारा लीजिए। मैंने अक्सर देखा है लोगों के लिए कि किसी को सांप काट लेता है, उसकी आंखों के सामने उसने सांप को, सांप ने उसके लिए काटा, लेकिन फिर भी नीम के पत्ते खाते हैं। क्यों खाते हैं? मतलब जहर चढ़ने का इंतजार करते हैं वो लोग, ताकि हमें जहर चढ़े और हम अस्पताल जाएं। तो नीम के पत्ते खाने की बजाय अस्पताल चले जाएं तो किसी की मौत नहीं होगी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के गाँव के लोगों से और हमारे दोस्त भी हैं कई, तो मैं इन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी सांप काट ले तो सीधा अस्पताल का सहारा लें, झाड़ फूक के चक्कर में या नीम के पत्ते खाते में ना उलझे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके के काम करते हैं, कोई बंद बांध देता है, कोई कुछ करता है। देखिए जितना तुम बंद बांधोगे उतना तुम्हारे हाथ का खून जा